पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन जी बिल्कुल खबर शामिल करते चलें। सियालकोट से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट सियालकोट के सीनियर सिटी नायब सदर मोहम्मद इरफान की मोहतरमा वालदा माजदा और मोहम्मद हनीफ की बीवी गुज़िश्ता दिनों वफात पा गई थी। इनका 40वां शरीफ का हतमे पाक इनके इलाका मोजा मोतरा अली टाउन में पढ़ाया गया। 40वां शरीफ के हतमे पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के जली सदर मोहम्मद शहबाज बाजवा और तहसील सदर नबील नेमत ने खसूसी शिरकत की। 40वां शरीफ के हतम शरीफ का अहतमाम मोहम्मद इरफान समेत बरादरान गुलाम मुर्तज़ा मोहम्मद रिजवान मोहम्मद इमरान मोहम्मद रेहान और मोहम्मद चांद ने किया। 40वां शरीफ में हाफज तैयबासी ने खताब किया और पीर साजिद हुसैन आस्ताना आलिया संदरपुर शरीफ नोशो पाक ने मरहूमा की मगफरत के लिए खसूसी दुआ की। इस मौका पर हाफज तैयबासी और पीर साजिद हुसैन ने खताब करते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को दीनी तलीम दिलवाने पर तवज्जो देनी चाहिए। नेक औलाद आपके लिए सदका जारिया है जो अपने वालदैन की दुनिया में भी खिदमत करती है और मरने के बाद भी दुआएं मगफरत करती है। जी उन्होंने वालदैन को तंदुरुस्ती अता फरमा या अल्लाह जिन्हां दे वालदैन चले गए ने उन्हां दे उत्ते खसूसी रहमतां दा ते करमां दा नज़ूल फरमाई या अल्लाह खतावां नूं दरगुज़र फरमाई हज़ूर दा मुस्तफा आप दी पाक बरगज पेश करने कबूल ते मंजूर फरमा ਆਰਿਆ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਈ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਫਾਏ ਕਾਮਲਾ عطا ਫਰਮਾਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ عطا ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ عطا ਫਰਮਾਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈਏ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਫਰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਅਤਾ ਫਰਮਾ।